हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं नाउन के एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन पे क्या मैं आपके कॉन्सेप्ट यहाँ डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि देखो छोटे से सेंटेंस और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अभी मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ आपको कि रटा मत करो, ठीक है ना। आज रटोगे, फिर उसको 2 दिन बाद देखोगे, फिर 2 दिन बाद क्या फ़ायदा है उसका। इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्योंकि जो बोर्ड है, एग्ज़ाम बोर्ड है, वो आपको परेशान करने के लिए नहीं है, वो आपके कॉन्सेप्ट देखना चाहता है, ठीक है, कि आपने कितनी मेहनत की है उन कॉन्सेप्ट पे। ऐसे नहीं कि आपने 1,000 500 1,000 रूल रट दिए, तो इसलिए कॉन्सेप्ट पे जाओ, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले क्वेश्चन में आ रहा हूँ, और आप इसमें एक ही कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान है, वैसे वैसे 2 3 कॉन्सेप्ट हैं, पर एक पे ज़्यादा ध्यान है। तो मैं पहले आपको समझाता हूँ कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस हमारे पास, 6 मिलियंस पीपुल अटेंडेंट दी फंक्शन। तो पीपुल क्या है यहाँ पे, देखो ये तो मेन वर्ब हो गई, ठीक है ना, और ये सब्जेक्ट हो गया। तो 6 मिलियंस पीपुल अटेंडेंट व्हाट दी फंक्शन, तो व्हाट और हुम से जब आंसर मिले तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो इसलिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ही मिल गया, 6। अब देखो पीपुल, पीपुल ये है और ये इसका एडजेक्टिव होगा ना, मिलियंस। तो जब ये एडजेक्टिव है इसका, तो एडजेक्टिव में एस एस ई एस क्यों लगेगा, नाउन में लगता है ना प्लूरल, प्लूरल बनाने के लिए एस ई एस, तो ये एस क्यों लगा यहाँ पे, तो हटाओ इसको बस। कई रटते रहते हैं कि आगे कोई डिजिट लिखी होगी, पीछे नाउन लिखा होगा, तो बीच में एस ई एस नहीं लगाते हैं उस पर, ठीक है, ये एस ई एस नहीं लगाते हैं, और कई ये उसके बाद ये रटते हैं कि अगर उसके बाद फिर पोजिशन हो तो उसमें एस ई एस लगाते। क्या है ये जरूरत पड़ी 6 की, जब आपको पता है कि वो सब्जेक्ट है और ये इसका एडजेक्टिव है बस, ठीक है। अगले सेंटेंस में आते हैं, मिलियंस ऑफ पीपुल हैज़ गॉन अब्रॉड। तो मिलियंस ऑफ पीपुल, ठीक है ना, ऑफ ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। मिलियंस प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन प्लस प्लस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो होता है वो कोई फ्रेज बनाता है, वो फ्रेज या तो एडवर्ब फ्रेज होती है या तो एडजेक्टिव फ्रेज होती है, ठीक है ना। अब देखते हैं कौन सी फ्रेज है, ये है एडजेक्टिव फ्रेज इस मिलियन के लिए, क्योंकि यहाँ पे एज अ नाउन काम कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है इसके लिए। तो मिलियंस ऑफ पीपुल, तो मिलियंस बहुत सारे पीपुल की बात की गई है अब यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये नाउन है इसलिए लगेगा इस पर, ठीक है ना। ऑफ पीपुल हैज़ गॉन अब्रॉड, तो बहुत सारे पीपुल गए, मिलियंस ऑफ पीपुल गए, तो हैव यहाँ पे हैज़ की जगह क्या आएगा, हैव आएगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट ही है हमारे पास, अब ये सब्जेक्ट है क्योंकि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज है इसके लिए, तो ये सब्जेक्ट है हमारे पास, तो यहाँ पे हैज़ हट के हैव लगेगा, क्या होगा, हैव, ठीक है। और हैव गॉन, गॉन क्या है, मेन वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, वट और वुम का आंसर तो देता है नहीं, तो मिलियंस ऑफ पीपुल हैव गॉन, ठीक है ना, एब्रॉड, वेयर एब्रॉड, तो क्या जब इंट्रांसिटिव वर्ब होती है तो उसके बाद एडवर्ब फ्रेज क्लॉज या एडवर्ब का कोई वर्ड आता है, जो एब्रॉड है वो क्या है, एडवर्ब है, ठीक है ना, तो ये आ गया एडवर्ब, ठीक है ना। एडवर्ब से पहले कभी प्रीपोजिशन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जो होम होता है ना, नहीं लिखते कहीं कि होम के आगे टू नहीं लिखो, तो होम क्या है, प्योर एडवर्ब है वो, वैसे एब्रॉड भी एडवर्ब है वो, होम का मतलब वहाँ पे वो होता है जो निवास स्थान होता है, एब्रॉड का मतलब निवास स्थान से बाहर, ठीक है ना, ये जो मुल्क है उससे बाहर, तो इनसे आगे क्या है, टू नहीं लगता, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, अब रटने की जरूरत थी यहाँ, कुछ कुछ भी नहीं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपुल, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, देखो ये यहाँ पे क्या है, इन्वर्जन होता है यहाँ पे, ये इन्वर्जन है। अब दूसरे तरीके से हम सीखें तो अगर इन्वर्जन की व्यू से नहीं देखें, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है अभी, तो जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से देखें अगर, तो अगर इसको सब्जेक्ट लेते हैं, ये लिंकिंग वर्ब लेते हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, या तो क्या होता है वो, नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, या तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होता है, तो ये क्या होगा, ठीक
ठीक है, ये नाउन है, ठीक है, तो ये नाउन है, ठीक है, तो देयर आर हंड्रेड्स, हंड्रेड्स, तो ये आर किसके लिए आर्क है, ये आर किसके लिए आर्क है, हंड्रेड्स के लिए आर्क है, ऑफ पीपल इन दी स्टेडियम, ठीक है ना। तो उसके बाद ये प्रिपोजिशन हो गया, ये प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, और ये हंड्रेड्स के लिए एडजेक्टिव फ्रेज हो गए, ऑफ पीपल, ठीक है ना, और इन फिर प्रिपोजिशन हो गया, और ये फिर प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, और इन दी स्टेडियम ये भी क्या हो गया, हंड्रेड्स के लिए क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। टू विटनेस, ये देखो विटनेस क्या है, विटनेस क्या है, ये वर्ब है ना, तो टू विटनेस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इन्फिनेटिव हो गई, ठीक है ना, और ये फिर क्या हो गया, टू विटनेस, टू विटनेस किस चीज का विटनेस, ठीक है ना, द वर्ल्ड कप फाइनल मैच, इस मैच के लिए, ठीक है ना, तो टू विटनेस होम, विटनेस फॉर होम, तो ये मैच जो है ये विटनेस का ऑब्जेक्ट है। एक चीज ध्यान रखना, जो ये हम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ते हैं ना, उनका बेस फॉर्म वही होता है, उनके ऑब्जेक्ट भी होते हैं, ठीक है ना, एडवर्ब भी होते हैं उनके, ठीक है ना, तो विटनेस फॉर होम मैच, ठीक है ना, टू विटनेस क्या है, इन्फिनेटिव है, ठीक, और मैच इन्फिनेटिव इसका विटनेस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, अब बाकी ये तो इसके एडजेक्टिव है, इसके मैच के, ठीक है, आगे बात समझ में, ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, ऊपर जो क्वेश्चन है उन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है ना, अभी आप केवल यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना, ये चीज़ें तो जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आगे समझ आती जाएंगी। आई बॉट टू डोजन्स बनानास फॉर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ क्या गलती है, समझ आ गई होगी आपके, ठीक है ना, आई बॉट, आई सब्जेक्ट है, बॉट मेन वर्ब है, आई बॉट व्हाट ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट देगा व्हाट, टू डोजन बनानास, व्हाट बनानास, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये इसका एडजेक्टिव हो गया, अगर ये एडजेक्टिव है, अगर ये एडजेक्टिव है तो इसमें एस क्यों लगेगा, है कि नहीं, सही बात, क्योंकि प्लूरल बनाने के लिए नाउन में एस ई एस लगता है, एडजेक्टिव में थोड़ी लगता है, हटाओ इसको यहाँ से, ख़त्म, ठीक है ना, बनानास फॉर स्टूडेंट, तो प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और ये मिल के एक फ्रेज बना रहा है, कौन सी, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, या तो एडजेक्टिव फ्रेज या तो एडवर्ब फ्रेज, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे क्या है, ये बनाने के लिए कौन सी फ्रेज बना रहे, एडजेक्टिव फ्रेज बना, ठीक है, आगे समझ में, बस, और अगला देखते हैं, यहाँ पे टू एडवर्ब है डोजन के लिए, ठीक है ना, वी फाउंड हिम इन अ गुड हेल्थ, वी सब्जेक्ट है, फाउंड, ठीक है, मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, वी फाउंड व्हाट, ठीक है ना, और हुम, ठीक है ना, तो वी फाउंड हुम हिम, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, हुम हिम, ठीक है ना, और व्हाट, वी फाउंड व्हाट हिम इन अ गुड हेल्थ, ठीक है ना, इन अ गुड हेल्थ, गुड हेल्थ में हमने उसको पाया, तो हेल्थ क्या हो गया, ये तो प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, और वी फाउंड हिम इन अ गुड हेल्थ, तो हिम ये प्रीपोजिशनल पर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, एक फ्रेज होती है, तो हिम के लिए क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है ना, तो हिम इन अ गुड हेल्थ, तो ये गुड क्या है, इसके लिए एडजेक्टिव है, ये ए हेल्थ नहीं, ये काउंटेबल है ही नहीं, तो ये हटेगा यहाँ से, क्योंकि ए आर एन जो हमारे वो होते हैं वो काउंटेबल नाउन के लिए लगते हैं ना, तो हेल्थ काउंटेबल थोड़ी है, अनकाउंटेबल है, तो ए हट जाएगा, ऐसे ढूंढते हैं एरर, ठीक है ना, रिच शुड नॉट, रिच सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं रिच को, देखो यहाँ पे एक चीज हो रहा है, रिच क्या है, एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये कॉन्सेप्ट है कि दी टी एच ई दी प्लस एडजेक्टिव, हमेशा क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, ठीक है ना, तो दी रिच शुड नॉट एक्सप्लॉइट दी पुअर्स, तो यहाँ पे तो पहले तो हम तो दी लगाएंगे, क्योंकि दी क्या होता है, दी रिच क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है ना,
ठीक है, तो ये प्लूरल नाउन शुड नॉट एक्सप्लॉइट, तो शुड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, एक्सप्लॉइट इसको एडवर्ब बोलते हैं इस वर्ब का नॉट को, ठीक है। द रिच शुड नॉट एक्सप्लॉइट व्होम द पुअर्स, व्होम, फिर ये देखो ये क्या है, व्होम ऑब्जेक्ट है ना, अब देखो व्होम द पुअर्स, द पुअर, देखो पुअर्स, पहले तो बात ये है कि एडजेक्टिव में एस लगता नहीं है, तो ये तो हटेगा यहाँ से, ठीक है ना। दूसरी बात है कि अगर प्लूरल बनाने हैं तो द पुअर, क्योंकि पुअर एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव के आगे अगर द लगाएंगे तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। तो बस सही बात है, एस लगाने की तो वैसे भी जरूरत नहीं है, दो तरीके से वो गलत हो रहा है। अगला सेंटेंस देखते हैं, आगे होगा समझ में। द बॉस पोस्टपॉन्ड, द बॉस सब्जेक्ट है, पोस्टपॉन्ड, ठीक है ना, तो द बॉस पोस्टपॉन्ड ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। अमित्स गो टू आगरा फ्रॉम ट्रेनिंग, ठीक है, अमित्स गो, द बॉस पोस्टपॉन्ड अमित्स गो, हाँ अमित्स, ठीक है, अमित्स गो, तो ये क्या है, पॉजिटिव केस है ना नाउन का, नाउन का क्या है, पॉजिटिव केस है, ठीक है ना। पोस्टपॉन व्हाट, द बॉस पोस्टपॉन व्हाट, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो पहले तो इसको एक फ्रेज बनना है, कौन सी फ्रेज, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, तो अमित्स गो, अमित्स गो, अब देखो अमित्स गो ये एडजेक्टिव होता है, देखो अमित्स, ठीक है ना, किसी भी नाउन में अगर पॉजिटिव केस लगा देंगे वो एडजेक्टिव बन जाता है, तो जब यहाँ पे अमित्स एडजेक्टिव बन गया, तो एडजेक्टिव के किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को करता है क्या, नहीं करता ना, किसको करता है, नाउन को करता है, तो यहाँ पे नाउन केस आएगा, तो गो का वर्ब का नाउन केस क्या होगा, गो का, गोइंग होगा, जो जीरंड होता है, ठीक है ना, तो ये गोइंग होगा आई एन जी, ठीक है ना। टू आगरा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, फिर प्रीपोजिशन है, फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, यही होता रहता है पूरा सेंटेंस में, और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ये प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये सारी फ्रेज होती है, ये एडजेक्टिव या एडवर्ब होती है। टू आगरा ये एडवर्ब फ्रेज है, वेयर एडवर्ब फ्रेज है ये तो, ठीक है ना। फॉर ट्रेनिंग व्हाई, ठीक है ना, इस पोस्टपॉन से पूछो ना, वेयर व्हाई, ठीक है ना, और व्हाट, व्हाट का आंसर तो इसने ही दे दिया, ठीक है ना, पोस्टपॉन व्हाट अमित्स गोइंग, ठीक है ना, ट्रांजिटिव वर्ब व्हाई, फॉर ट्रेनिंग, ये क्या हो गया, ये भी एडवर्ब फ्रेज हो गया, व्हेन व्हाई वेयर, इसका आंसर जो देता है वर्ब, तो वो एडवर्ब फ्रेज होती है, तो बस ये हो गया, और क्या है इसमें, सारे कॉन्सेप्ट है, कहीं रटना वटना कुछ भी नहीं। तो थैंक यू, आगे होगा आपकी समझ में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।